हे गाइस, मेरा नाम है सुधांशु रॉय और हमारे चैनल रॉय एनसाइक्लोपीडिया एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को कुछ दिनों से कुछ न्यूज़ सुनने को मिल रहा होगा कि हुआवे के P30 प्रो में TOF कैमरा मिलता है, या फिर सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 जो कि 7 अगस्त को लॉन्च होने वाला है उसके अंदर आपको TOF कैमरा मिलने वाला है, या फिर अगर मैं बात करूँ ओप्पो RX17 प्रो की तो उसके अंदर आपको TOF कैमरा मिलता है। ऐसे आपने बहुत सारे स्मार्टफोन्स का नाम सुना होगा जिसके अंदर आपको TOF कैमरा मिलता है, बट आखिरकार ये TOF कैमरा क्या है? हाँ, सुनने को तो बहुत मिला TOF कैमरा, बट आखिर ये TOF कैमरा है क्या? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी TOF कैमरे के बारे में बताने वाला हूँ। मैं बिल्कुल इजी वे में बताऊँगा, कुछ बड़ी बड़ी टर्म मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ना ही वो वेव प्रोपगेशन या फिर वेव थ्योरी वगैरह मैं यहाँ पे कुछ यूज़ करने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही इजी वे में आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ आखिरकार ये TOF कैमरा क्या होता है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, अगर बात करूँ TOF कैमरे की तो यहाँ पे TOF का फुल फॉर्म होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है, इससे बिल्कुल भी कुछ हमें समझ में नहीं आता है। तो एक्चुअली ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका नेम है, ये रेफर करता है इसके बेसिक ऑपरेशन को, यानी कि जो कैमरा ऐसा ऑपरेट होता है उसके बेसिक को ये बिल्कुल बताता है। मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो गाइज, एक्चुअली ये एक डेप्थ मैपिंग कैमरा है, यानी कि एक ऐसा कैमरा है जो कि डेप्थ को मेजर करता है, डेप्थ को मैप करता है। एक्चुअली क्या होता है कि अभी जो हमारे स्मार्टफोन्स में कैमरे मिलते हैं, ये अगर आप किसी चीज़ का फोटो लेते हैं इस कैमरे से तो ये सिर्फ दो चीज़ों को मेज़र करता है, एक लेंथ और एक ब्रेथ, यानी कि एक लंबाई और एक चौड़ाई, दो ही चीज़ों को मेज़र करता है। अगर आपका भी फोटो कोई कैमरा ले रहा है तो सिर्फ आपकी लेंथ को मेज़र करेगा, आप कितने लंबे, आप कितने चौड़े, आपके ब्रेथ को मेज़र करेगा। बट TOF कैमरा का कॉन्सेप्ट एक 3D इमेज को लेकर है, ये उसकी हाइट को भी मेज़र करता है, इट मीन्स कि कितना दूर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये पता लगा लेता है कि वो ऑब्जेक्ट कैमरे से कितने डिस्टेंस पे है, जो कि नॉर्मल सा कैमरा नहीं कर पाता है। आगे मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कैसे यह करता है। सो गाइज, अगर मैं बात करूँ इस कैमरे की वर्किंग की, जिसके मदद से आप बिल्कुल समझ जाएंगे आखिर ये कैमरा क्या है, कैसे वर्क करता है। तो एक्चुअली इस कैमरे का दो कोर पार्ट होता है, इट मीन्स कि दो मेन पार्ट होता है। एक ऐसा सोर्स जिसको इल्यूमिनेटर बोलते हैं, या फिर आप इमिटर बोलिए, या फिर जनरली आपको ऐसा सोर्स बोलिए जहाँ से लाइट इमिट होता है, जहाँ से लाइट निकलता है, और एक ये कैमरा खुद। तो दो मेन पार्ट हो गया, एक लाइट सोर्स, एक ऐसा सोर्स जहाँ से लाइट इमिट होगा, और एक ये कैमरा खुद। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि इसका एक लाइट सोर्स होता है जिससे इंफ्रारेड लाइट निकलता है। उस लाइट सोर्स से जैसे आप फोटो कैप्चर करने के लिए क्लिक करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जैसे इस कैमरे का ऑपरेशन स्टार्ट होता है, इस कैमरे को यूज़ करना आप स्टार्ट करते हैं, इसके लाइट सोर्स से एक इंफ्रारेड लाइट निकलता है। इंफ्रारेड लाइट अपने आपके नेकेड आई से विजुअल नहीं होता है, बट हाँ, आपके स्मार्टफोन का कैमरा इस लाइट को देख सकता है, बट हमारा आँख उस लाइट को नहीं देख सकता है। वैसे अगर आपको जानना है कि इंफ्रारेड लाइट को कैसे देखना है तो ऊपर कार्ड में एक लिंक आ रहा होगा, आप उसमें क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि कैसे आप किसी इंफ्रारेड लाइट को देख सकते हैं जो कि आपके रिमोट वगैरह से भी निकलता है। तो खैर, हम टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें एक लाइट सोर्स होता है, जैसे लाइट इमिट होता है, इंफ्रारेड लाइट इमिट होता है, ये लाइट निकलता है और उस ऑब्जेक्ट तक जाता है जिसका आप पिक्चर ले रहे हैं। ये लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराता है और टकराने के बाद वापस आपके कैमरे पे आता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक लाइट सोर्स से लाइट निकल रहा है, वो जा रहा है ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है और रिफ्लेक्ट होके वापस से कैमरे में आ जा रहा है। तो एक्चुअली इस TOF कैमरे का काम ही है इस टाइम को मैनेज करना, इस डिस्टेंस को मेजर करना। ये मेजर करता है कि कितना देर ले रहा है वो लाइट यहाँ कैमरे के पास से इमिट होकर ऑब्जेक्ट तक जाने में और ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस कैमरे तक आने में। ये जो टाइम लेता है इसको ये डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइट का स्पीड फंक्शनली कॉन्स्टेंट होता है, तो इसके लिए बहुत ईजी हो जाता है उस लाइट के स्पीड को, उस टाइम को जो टाइम ले रहा है उसको डिस्टेंस में मेजर करने का। वो लाइट जितना टाइम ले रहा है कैमरे के पास से ऑब्जेक्ट तक जाने में और ऑब्जेक्ट से वापस कैमरे तक आने में, उस टाइम को डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेता है। जिसका प्रोसेसर है वो प्रोसेसर उस टाइम को डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेता है और ये पता लगा लेता है कि आखिरकार वो ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे रखा गया है, आपके कैमरे से कितना दूर वो ऑब्जेक्ट है, और इजली वे में वो उसके वॉल्यूम, आप बोले वॉल्यूम को या फिर डिस्टेंस को मेजर कर लेता है, जिससे आप खासकर पोर्ट्रेट मोड में फोटोज काफ़ी अच्छी तरीके से क्लिक कर पाते हैं। अभी तक जो फोन आते हैं इसमें पोर्ट्रेट मोड आपको मिलता है, ड्यूअल कैमरा, एक डेप्थ सेंसर कैमरा मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा फोटो आप क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही उस वो जो पोर्ट्रेट मोड वाला कैमरा है, अभी जो आपको फोन में ड्यूअल कैमरा मिलता है, डेप्थ कैमरा एक मिलता है पोर्ट्रेट मोड के लिए, एक्चुअली वो लो लाइट में काम नहीं करता है, साथ ही जहाँ पर पूरा अंधेरा है, डार्क प्लेस, वहाँ भी काम नहीं करता है। बट क्योंकि TOF कैमरे में इंफ्रारेड का लाइट का यूज़ होता है, तो बिल्कुल कैसा भी लाइट कंडीशन हो, बहुत ही ब्राइट हो या फिर डार्क हो या फिर बहुत कम लाइट हो, किसी भी कंडीशन में ये प्रॉपरली बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है।
तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि हमारे नेचर में जो लाइट है उसमें भी इंफ्रारेड लाइट होता होगा, तो क्या ये दोनों मिसमैच नहीं हो जाता है? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे TOF कैमरे का काम ही है, ये एक ऐसे वेव के फॉर्म में लाइट को भेजता है कि ये पहचान जाता है कि इस वेव के फॉर्म में लाइट वहाँ तक ऑब्जेक्ट तक गया है और हमें बस इसी को कैप्चर करना है, बाकी का लाइट जो नेचर में प्रेजेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, इसको नहीं लेना है। जो लाइट यहाँ से भेजा गया है, जो इसका वेव का मॉड्यूल है, बस इसी को कैप्चर करना है और हमें इमेज को सेंस करना है। तो इस कैमरे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ही पार्ट है इसका इंफ्रारेड लाइट सिग्नल, बिना इंफ्रारेड लाइट सिग्नल के वर्क नहीं कर सकता है। तो अगर मैं बात करूँ इस कैमरे का क्या यूज़ है खासकर स्मार्टफोन में, तो मैंने आपको स्मार्टफोन के लिए एक बहुत ही मेजर यूज़ आपको बता दिया कि पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर लेने में आपको काफ़ी मदद करेगा, डे लाइट में भी काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट आप ले पाएंगे, अभी जो पोर्ट्रेट लेते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा पोर्ट्रेट मोड में आप पिक्चर ले पाएंगे। उसके साथ ही कोई ऐसा जगह है जहाँ पे काफ़ी लो लाइट है या फिर काफ़ी डार्क प्लेस है, वहाँ पे भी आप पोर्ट्रेट मोड का या फिर सिंपल सा शॉट भी आप इस कैमरे से ले सकते हैं, बिना पोर्ट्रेट वाला शॉट भी। साथ ही इसका यूज़ आप नेविगेशन वगैरह में भी ले सकते हैं या फिर किसी ऑब्स्टेकल को पहुँचाने के लिए भी, इट मीन्स कि अगर कोई रोबोटिक है, रोबोटिक मशीन है जो चल रहा है और उसको पता करना है कोई ऑब्स्टेकल है, तो ये लाइट वहाँ से जाएगा, लाइट जो ये इमिट करेगा, लाइट वापस कैमरे के पास आएगा और वो समझ जाएगा कि आगे कोई ऑब्स्टेकल है, बताएँ। साथ ही AR के लिए भी इसका यूज़ काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। उसके साथ ही फेस अनलॉक इसकी मदद से काफ़ी ज़्यादा सिक्योर और काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा जी बिल्कुल। इस कैमरे का इतना ही नहीं लाखों यूज़ है, मैं आपको यहाँ बताने लग जाऊँगा तो पूरा वीडियो उसी में निकल जाएगा, फिर भी वो यूज़ खत्म नहीं होगा। तो खैर मैंने आपको मेन यूज़ तो बता ही दिया। सो गाइज आई होप आप लोग को TOF यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरे के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक और लाइक तो जरूर से कीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल पाए और हमारी थोड़ी सी हेल्प कर हो पाए। लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर से कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।